एनर्जी ड्रिंक के जिस ब्रांड का फेस थे शाहरुख खान, अब उसी ब्रांड को एंडोर्स करने आगे आ रही हैं सनी लियोनी, यानी जूम की वो एक्सक्लूसिव न्यूज 100% एक्यूरेट साबित हुई है जिसमें हमने कुछ दिन पहले बताया था कि शाहरुख खान कभी जिस एनर्जी ड्रिंक से एसोसिएटेड थे उसे हथियाने जा रही हैं सनी लियोनी। और देखिए अब सनी लियोनी उस ब्रांड को प्रमोट करने आगे भी आ गई हैं, पर एक सवाल अब भी बरकरार है कि क्या इसकी वजह यह है कि सनी'स एक्स फैक्टर इज हायर देन दैट ऑफ इंडस्ट्रीज बादशाह शाहरुख खान। वेल, इस बचे हुए सवाल का जवाब हम नहीं बल्कि खुद सनी लियोनी और इस ब्रांड के ओनर से ही मिले तो अच्छा होगा। तो क्यों ना शुरुआत की जाए सनी से। सनी वाज एचआरपी फॉर दिस फेस ऑफ दिस ब्रांड नाउ इट्स यू, सो कैन यू से दैट यू हैव अ हायर एक्स फैक्टर कंपैरेटिव टू एचआरपी, इजंट इट? कंपेयर्ड टू एचआरके शाहरुख खान? ओह, आई डोंट थिंक सो, आई थिंक ही इज ऑलवेज एट द टॉप ऑफ द फूड चेन। सुन लिया आपने सनी का जवाब, वो किंग खान ही है जिनके एक्स फैक्टर को सनी पूरे बॉलीवुड में मानती हैं सबसे हाईएस्ट। वो किंग खान ही है जिनका एक्स फैक्टर सनी को करता है सबसे ज्यादा अपील। एसआरके ही है वो टॉप बॉलीवुड खान जिनके एक्स फैक्टर पर जान छिड़कती हैं सनी लियोनी। सनी वाज एचआरपी फॉर दिस फेस ऑफ दिस ब्रांड नाउ इट्स यू, सो कैन यू से दैट यू हैव अ हायर एक्स फैक्टर कंपैरेटिव टू एचआरपी, इजंट इट? कंपेयर्ड टू एचआरके शाहरुख खान? ओह, I don't think so. I think he's always at the top of the food chain. पर सनी के इन रेवलेशन से अलग, जब हमने बात की इस ब्रांड को ओन करने वाले एक्टर एंड बिजनेसमैन सचिन जोशी से, तो बैलेंस करते करते भी फिसल गई उनकी जुबान। It would be very wrong on my part to even make a comparison, because वो अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है। आज की तारीख में जो यूथ एनर्जी ड्रिंक प्रेफर करता है उनके लिए आज वो सनी लियोन को ज़्यादा देखना चाहते हैं, तो दैट इज़ वाई सनी लियोन इज ऑन बोर्ड। जो यूथ एनर्जी ड्रिंक प्रेफर करता है उनके लिए आज वो सनी लियोन को ज़्यादा देखना चाहते हैं, तो दैट इज़ वाई सनी लियोन इज ऑन बोर्ड। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर सनी को इस ब्रांड से क्यों एसोसिएट किया गया है। वेल, आफ्टर ऑल बीइंग अ बिजनेसमैन, सचिन ने भी वही किया जो शायद कोई भी दूसरा बिजनेसमैन करता। पर सचिन यहाँ ये क्लियर करना भूल गए कि सनी लियोनी भले ही बन गई हो उस एनर्जी ड्रिंक ब्रांड की एम्बेसडर जिसे शाहरुख खान एंडोर्स कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सनी ने किंग खान को रिप्लेस किया है। शाहरुख खान से उनका एसोसिएशन आगे भी रहेगा। Shahrukh has always been a friend and is a dear he's like an idol to me and I don't think so he's ever going to be off XXX, he's always there. अब कितनी ही सफाई क्यों ना दे दें इस एनर्जी ब्रांड के ओनर्स, लेकिन एक बात तो साबित हो गई है कि ब्रांड वर्ल्ड में जहां कोई सुपरस्टार काम नहीं आता, वहां कभी कभी किसी न्यू कामर से भी अच्छी तरह काम चल जाता है। बस सेलेब की इमेज का फायदा ब्रांड को पूरी तरह मिलना चाहिए। वैसे ब्रांड्स के मामले में ही नहीं, आइटम नंबर्स की रेस में भी सनी इंडस्ट्री की कई बड़ी एक्ट्रेसेस से आगे निकलती नजर आ रही है, खासकर जब से वो शूट आउट एट पड़ाला के लैला अवतार में आई है। प्रियंका के फर्स्ट एवर आइटम सॉन्ग बबली बदमाश को भी पॉपुलैरिटी के मामले में चैलेंज मिल गया है। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि सनी ने लैला बनकर बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को बीट कर दिया है। I don't think beaten is the right word. I think just, you know, her song is amazing and she's done very well for herself in this industry and she's a top A-lister and I'm just somebody that's new in the industry. खुद को न्यू कमर बताकर सनी ने खुद को किसी डिबेट में पड़ने से तो बचा लिया, लेकिन क्या वाकई ज्यादा दिनों तक एक बड़ा डिबेट बनने से बच पाएगी लैला बनी सनी की ये अदा, जो कभी किंग ऑफ बॉलीवुड जैसे टैग्स रखने वाले शाहरुख खान के ब्रांड्स पर कब्जा जमा रही है, तो कभी इंडस्ट्री की ए लिस्टर एक्ट्रेसेस के आइटम सॉन्ग्स को ओवरशैडो करती जा रही है। हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई।